सो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरे चैनल गाइस को काफ़ी यूनिक होने वाली है। यूनिक इसलिए होने वाली क्योंकि मैं आज आ चुका हूँ सॉसिस ब्रांड पे और काफ़ी यूनिक चीज़ जो लगी हुई है, स्पीकर्स की रेंज भी लगी हुई है, एम्पलीफायर की रेंज भी लगी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले हमारे कौशिक भाई देने वाले हैं, जो कि जमशेदपुर से है, तो क्या आज कुछ नया होने वाला है? नया सॉसिस का स्पीकर होने वाला है। इनके पास सबसे बढ़िया वेराइटी के 18 इंच और 21 इंच के स्पीकर है, जिनके पास आपको देखने मिल रहा है सारे पीडी मॉडल के स्पीकर्स। ये पीडी मॉडल के रहने वाले, जितने ज्यादा मॉडल जिनके पास है उतना ज्यादा मॉडल कोई भी कंपनी के पास नहीं है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये इनका सबसे न्यू लॉन्च है 1870 पीडी। ये बॉडी चेंज है, 280 mm मैग्नेट, 4 कट, 5 इंची वॉल स्पैन रहने वाली है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं 1880। ये आपका 330 mm मैग्नेट है, जैसे इसमें 280 mm था, इसमें 330 mm मैग्नेट है। और इसमें भी 4 कट मैग्नेट है। इसमें आपका 6 इंच कॉइल आपको आएगा, क्योंकि मैग्नेट का साइज ज्यादा है, कॉइल का साइज भी इसका बड़ा होने वाला है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ आने आते हैं पीडी 1850। ये सबसे कॉमन स्पीकर है जो आपको हर कंपनी में देखने मिलेगा। इसमें 4 कट मैग्नेट है, 5 इंची वॉइस कॉइल है, 280 mm मैग्नेट, 127 mm वॉइस कॉइल इसमें आता है। और येलो चेसिंग रहने वाला है। येलो चेसिंग इनका मैक्सिमम मॉडल्स येलो चेसिंग में ही आता है। जी जी जी। अब हम लोग दूसरे मॉडल की तरफ आते हैं। ये इनका एक मॉडल है 1850 TX। TX का मतलब इनका कार्बन कोन है। ये जो कोन आपको देखने मिल रहा है ये आपका कार्बन कोन है, बाकी जगह आपको देखने मिला था ये नॉर्मल कोन है। नॉर्मल है। कार्बन कोन में आपको थोड़ा सा प्रेशर वाइब्रेशन बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे डबल मैग्नेट में। ये पीडी नहीं है, मगर ये आपका 2000 वॉट का स्पीकर, 2500 वॉट का स्पीकर होने वाला है। डबल मैग्नेट में है, 280 mm मैग्नेट, इसको वाई बास्केट बोलते हैं। वाई बास्केट। ये भी आपका 5 इंच के कॉइल में आता है। उसके बाद हम लोग फिर इसमें आते हैं। ये भी आपका जैसे मैंने आपको दिखाया था ना TX मॉडल, ये सेम है 1870 TX। ये आपका कलर खाली चेसी का कलर चेंज है और ये डबल मैग्नेट कर दिया है। यहाँ सिंगल मैग्नेट था, यहाँ डबल मैग्नेट है। तो ये आपका 2500 वॉट हो गया, ये आपका 2000 वॉट था। हाँ, ये 2500 वॉट हो गया डबल मैग्नेट के ऊपर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं पीडी 1870। ये TX नहीं है, ये 1870 TX है। ये डिफरेंस आप देखिए, उसमें कार्बन कोन था TX में, ये आपका नॉर्मल कोन है प्लेन में। सेम चीज है, डबल मैग्नेट, 280 mm का और 5 इंच का वॉइस कॉइल। उसके बाद हम लोग 21 इंच में आते हैं। 21 इंच में हमारे पास ये तीन मॉडल रखे हुए हैं। तीन रहने वाली है जी। तीनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस एक हो गया नॉर्मल 21, एक हो गया 21 विद कार्बन और एक हो गया 21 विद डबल मैग्नेट। डबल मैग्नेट, हाँ। 21 विद कार्बन का मॉडल है 2160 TX। ये सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली, जो ये कंपनी का सबसे टॉप मॉडल जो है वो यही है जी। उसके बाद फिर हम लोग 2160 DM, DM का मतलब डबल मैग्नेट हो गया जी। और उसके बाद ये 21 इंच का नॉर्मल स्पीकर जो हर कंपनी के पास मिलेगा आपको जी, ये वो। अब आइए हम लोग उसके थोड़े से नीचे लेवल पे जी आते हैं। ये वाला सेम 18 इंच 2000 वॉट है, जैसा हमने 1850 दिखाया था, खाली ये वाई मॉडल में आता है और ये आपका पीडी मॉडल में था जी। इसी के कारण रेट में 200-400 रुपए का डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये कम है, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। उसके बाद ये हम लोग, अब हम लोग 2000 वॉट से हट गए हैं। ये 1200 वॉट का स्पीकर है जी। ये 1200 वॉट का सिंगल मॉडल आता है इनके पास जी। बेसिकली ये कंपनी जो फोकस कर रही है ना, ये ज्यादा वॉटेज में फोकस कर रही है जी। फ्यूचर देख रही है 2000 वॉट, 2500 वॉट, इन फ्यूचर और भी बड़े बड़े मॉडल्स आएंगे। छोटे मॉडल जो हो गए 1200 वॉट, 1500 वॉट, उसमें कंपनी का फोकस कम है मेरे अकॉर्डिंग टू मी जी जी। तो ये 1200 वॉट है, ये आपका सेम चीज में 1500 वॉट आ जाएगा। 1800 वॉट है जी। 114 mm का मतलब हो गया 4.5 इंच का वॉइस कॉइल में ये हमारा स्पीकर आता है। ओके, 1200 वॉट में एक मॉडल है, 1500 वॉट में एक मॉडल है जी। मगर 2000 वॉट में इनके पास 6 मॉडल है, 21 इंची में इनके पास 3 मॉडल है। तो सब समझ में आता है कि कंपनी फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रही है। ओके, अब हम लोग 15 इंच में आते हैं। 18 इंच और 21 इंच कंप्लीट करने के बाद जी, 15 इंच में इनके पास 500 वाट का ये मॉडल है, 15X 351 जी। उसके बाद ये आपका पीडी मॉडल में है, पीडी 1540, सबसे हॉट सेलिंग आइटम है ये वाला। ये देख सकते हो गाइस, ये पीडी 1540, ये आपका 1000 वाट में आता है और 4 इंच का वॉइस कॉइल होने वाला है। ये आपका 600 वॉट का स्पीकर है शायद, हाँ 600 वॉट का स्पीकर है ये जी। ये वाला भी बहुत प्रीमियम मॉडल है, वाई मॉडल में है जी। ये नॉर्मल मॉडल आता है, उससे थोड़ा सा हट गया ये मॉडल। ये आपका 400 वॉट में मॉडल है, 15X 475.5, 3 इंच में है ये जी। ये आपका 600 वॉट का मॉडल है,
आपका 15X600M वो आपका डबल मैग्नेट में है जी। जैसा कि हमने ये वाला मॉडल देखा था 600 वाट में, उसी में वो डबल मैग्नेट आ जाता है, पावर हो गया उसका 1500 वाट। ओके। और वहाँ पर अपने सारे न्यूडियम्स रखे हुए हैं जी। यहाँ आपका 800 वाट का स्पीकर है, ये 800 वाट 15 इंच में 800 वाट जी। मतलब अगर हम लोग लाइन बाय लाइन चले ना जी, तो सबसे पहले आ गया ये, आ गया 400 वाट, उसके बाद आ गया ये 500 वाट, उसके बाद आ गया ये 600 वाट, उसके बाद आ गया ये 600 वाट, उसके बाद आ गया ये 800 वाट, उसके बाद आ गया ये 1000 वाट, उसके बाद आ गया ये 1500 वाट। और 12 इंच में इनके पास दो तीन मॉडल है, ये X351 और ये X401 जी। ये आपका 500 वाट का स्पीकर कंपनी लिखती है जी जी। अराउंड 3.5 इंच का वॉइस कॉइल है। ओके। और ये आपका 4 इंच का वॉइस कॉइल है जी। इसमें कंपनी 600 वाट लिखती है। 600 तो ये हमारे पास सारे स्पीकर्स मैंने आपको बता दिए जी। यहाँ पर अपने पास सारे पेपर स्पाइडर्स कॉइल्स भी होने वाले हैं जी, बिल्कुल। जैसे कि कंपनी का क्या है ना, कि कंपनी अगर स्पीकर सेल कर रही है जी, तो अगर स्पीकर कटती है या स्पीकर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एकदम घबराने की बात नहीं है, कंपनी के पास सारे स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल है जी, बिल्कुल। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं कि सामान तो ले लेंगे, मालूम पड़ा खराब हो गया उसके बाद किसके पास जाऊंगा जी। तो उस चीज़ के लिए कंपनी के पास सारे पार्ट्स अवेलेबल है, कि अगर आपका कोई स्पीकर ख़राब होता है तो आप ये वाले पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर आपका ख़राब नहीं होगा, कंपनी के पास आपको सारे चीज़ मिल जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाली है? वो एक्टिव आया हुआ है जी, बबल मशीन के साथ। यहाँ देख सकते हैं, ये अगर आपको होम पर्पज़ के लिए लेना है तो ये इतने सारे एक्टिव रखे हुए हैं जी। सब में एम्पलीफायर इनबिल्ट है, सब में लाइट्स वगैरह है, बैटरी है सब में, और मैक्सिमम में 2 माइक्रोफोन दिए हुए हैं। ओके। तो जिन भी भाई हमारे होम पर्पज़ के हिसाब से कोई स्पीकर खोज रहे हैं तो वो ये रेंज में जा सकते हैं। ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी सारे हमारे पास रेंज मिल जाती है। वहाँ पर जैसे हमने आपको पेपर दिखाया जी, यहाँ पर स्पाइडर्स वगैरह है, ये सारे हमारे जो हम स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं जी, वो सब में ये सारे स्पाइडर पेपर बास्केट्स वगैरह लगे हुए हैं। ओके। तो एकदम आपको घबराने की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्पीकर कट रहा है, इन फ्यूचर अगर कटेगा तो आप ये वाले पार्ट्स लगा के आप यूज़ कर सकते हो जी। यहाँ सारे प्रेशर मीट आ रहे हैं, प्रेशर मीट में आपके पास 4599 में दो मॉडल आएगा जी, 4592 में आ रहा है, ये 850 मॉडल है, वो 4591 है, ये आपका फेराइट में है, ये आपका न्यूडियम में है। यहाँ आपको सारे कॉइल देखने को मिल रहे हैं जी, 100 वाट के सोर्सेस के कॉइल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉइल भी अपना इनहाउस ही है, जो अपना स्पीकर यूज़ हो रहा है यही सारे कॉइल यूज़ हो रहे हैं। ये देखिए, ये अपना 6 इंच 4 लेयर कॉइल है। ओके। ये देखिए 6 इंच 4 लेयर, जो अपना 21 इंच का जो स्पीकर है जी, जिसमें 6 इंच के कॉइल लग रहे हैं, उसमें यही वाले कॉइल अपना लग रहे हैं। ओके। ये भी आपका 6 इंच का कॉइल है, 21 इंच PD जैसे लिखा हुआ है ना, 21 इंच PD। तो ये है कि अपने पास सारे एक्सेसरीज आपको यहीं पे मिल जाने वाली है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे चीज़ अवेलेबल मिलेंगे। ये देखिए 126 mm के है, 5 इंच का कॉइल हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारे कॉइल्स यहाँ पर रखे हुए। अच्छा, ये हमारे न्यू मॉडल लॉन्च हुए थे बॉम्बे एग्जीबिशन पे जी, तो यहाँ पर भी रखे हुए, ये दोनों हो गए नियोडियम में, नियोडियम और यहाँ पर आपके रखे हुए सब फेराइट में। फेराइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इनके पास 18 इंच में 1500 वाट और 1200 वाट में कम मॉडल्स है, तो उसको देखते हुए कंपनी ने यहाँ पर 1500 वाट और 1200 वाट का के मॉडल्स भी लेके आए हैं। ये वाला मॉडल एकदम प्रीमियम है, अभी के टाइम पे कहीं भी मार्केट में ये वाला मॉडल अवेलेबल नहीं है। ओके। ये भी बहुत तगड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हैं फुल्ली इंपोर्टेड, ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाने वाली है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ऐसा है ना, कि आपका 1200 वाट में भी यहाँ रिंग लगा के LNK लगाया हुआ है जी, और सिलिकॉन स्पाइडर है। ये जनरली आपको रिंग वाला चीज़ 2000 वाट में PD स्पीकर में देखने को मिलता है जी, मगर यहाँ पर आपको 1200 वाट में भी देखने को मिलती मिल रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी कितने क्वालिटी फोकस्ड है। इसके बाद ये 280 mm मैग्नेट में आ रही है कॉइल में, ये आपको डबल मैग्नेट में आ रही है जी, विद आपको मैग्नेट कवर के साथ, कवर भी है इसमें गाइस, हाँ मैग्नेट कवर भी है, ये देख सकते हैं जी। और ये आपका अराउंड 253-255 mm मैग्नेट में है, 4.5 इंच वॉइस कॉइल में। ओके। आती है। उसके बाद नेक्स्ट एम्पलीफायर की तरफ, एम्पलीफायर में हमारे पास
स्लीक मॉडल में है ये तीन मॉडल जी, और उसके बाद ये फोर चैनल एम्पलीफायर में आता है 7000 वाट 5000 वाट और ये MT 1201 और MT 1601 जी। ये दोनों एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा सेलिंग है जी, और ये अभी स्लीक एम्पलीफायर अभी कंपनी ने न्यू लॉन्च करा है। ओके, तो कौन सा भी आना बाकी है? ये देखिए गाइस, ये काफ़ी लाइट वेट भी होगी है। हाँ, बहुत लाइट वेट एम्पलीफायर है। ये देखिए गाइस, काफ़ी लाइट वेट रहने वाला है और ये आपका 10,000 वाट्स का एम्पलीफायर है। ओके, ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाने वाली है। ये आपका 5000 वाट्स का एम्पलीफायर होने वाला है फोर चैनल में। ओके, और ये आपका 7000 वाट्स का एम्पलीफायर होने वाला है फोर चैनल में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाली है? अभी कंपनी ने न्यू लाइनर लॉन्च किया है जी, ये डबल वाला, ये भी आप देख सकते हैं इनका क्वालिटी, फिनिशिंग देख सकते हैं, ये भी 100% इंपोर्टेड है जी। और सीएनसी कटिंग में, सीएनसी कटिंग में ऐसा नहीं है कि मतलब कैबिनेट यहाँ बन रहा है, स्पीकर बाहर जा रहा है, असेंबल होकर बिक रहा है जैसे बाकी ब्रांड्स करती है, ये 100% इंपोर्टेड है जी, जैसा कि आप लोगों को देखने मिल रहा है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। और जैसे गाइस, पूरा हमने ओवरव्यू, मोस्टली जो आइटम थी उसका ओवरव्यू हमने दिखा दिया है। जैसे गाइस देख सकते हो, बाकी अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आपसे तो कैसे कर सकते? तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मेरा यूट्यूब चैनल है द कौशिक व्लॉग जी, ये वाले वीडियो मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा हूँ जी। और अगर जिनको मुझसे मिलना है और वो झारखंड एरिया में है जी, तो वो जमशेदपुर आ सकते हैं। जमशेदपुर, हाँ, मैं अपना कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगा वीडियो में जी। बिल्कुल, मेरे शॉप का नाम है श्रीराम एंटरप्राइजेस जी, जो कि जमशेदपुर में है। जमशेदपुर, और बाद बाकी कुछ भी डिटेल्स होगा तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, तो गाइज जैसे ही कौशिक भाई ने आपको बता दिया कि अगर उनसे आपको कांटेक्ट करनी है तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी, बट अगर आपको सोसिस ब्रांड से कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं।